फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिया बटर क्या चीज़ है एंड साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि शिया बटर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है अपने स्किन के ऊपर एंड अपने हेयर के ऊपर ताकि आपकी स्किन और हेयर दोनों ही जवान रहे साथ ही साथ उनमें हेल्दीनेस जो है वो आ जाए तो चलिए बढ़ते हैं आगे शिया बटर एक रिच फैट है जो एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द नर्ट्स ऑफ द शिया ट्री नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका इट गेट्स अब्बॉर्ब इन टू द स्किन क्विकली एंड इज़ हाईली लोडेड विद विटाम फैटी एसिड तो शी बटर बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं होता है ये एक क्रीम टेक्स्चर में रहता है इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एंटी ऑक्सीडेंट एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ है एंड इसकी वजह से ये आपकी ड्राई वेदर में भी आप अगर यूज करते हैं ना तो वो आपके स्किन में काफ़ी बेनिफिट पहुँचाते हैं अगर आपको सीरोसिस हो रहा है डर्माटिस हो रहा है एक्जिमा हो रहा है ड्राई स्किन की इशू है तो शिया बटर आपको काफ़ी मदद कर सकती है ये हमारे स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है एंड फाइन लाइंस की अपियरेंस को कम करता है शिया बटर आपके स्किन को प्लम्पर बनाता है एंड यंगर लुक देता है ये एक फैटी एसिड तो है बट स्टिल इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टू तो अगर आपकी ऑयली स्किन है सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है एक्ने प्रोन स्किन है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं इसमें सेल एंड स्किन रिजुविनेशन में काफ़ी फ़ायदा आपको दिखेगा जिससे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स स्कार्स एंड सनबर्न मिनिमाइज हो सकते हैं शिया बटर आपके हेयर को स्ट्रोंगर बनाता है शाइनी बनाता है साथ ही साथ ये डैंड्रफ एंड फ्लेकी स्कैल्प को रिड्यूस करने में काफी हद तक मदद करता है तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं एंड जान लेते हैं कुछ ऐसे रेमेडीज जिस जिससे आप शिया बटर को अपने त्वचा एंड बालों पर यूज़ कर सकते हैं सबसे पहला है कि शिया बटर को हम एज अ स्किन सॉफ़्ट करने के लिए कैसे यूज़ करें अगर आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाना है सॉफ्ट बनाना है रेडियंट स्किन बनाना है तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें यहाँ पर एक बाउल में मैं लूँगी एक टी स्पून शिया बटर तो आप दे आपने तो देखा है कि शेप्टर तो पूरा क्रीम फॉर्म में है तो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा मेल्ट करने के बाद ये थोड़ा ऑयल टेक्स्चर हो जाएगा उसी से हमें एक टे, टेबल स्पून लेना है एक टेबल स्पून लेने के बाद हमें ऐड करना है रोज़ी सीड ऑयल दो ड्रॉप्स एंड हनी एक टेबल स्पून इन तीन इनग्रीडियंट को मिक्स करने के बाद आपको फेस पे एक फेस मास्क की तरह अप्लाई करना है दस मिनट के बाद वो लिक वाटर से धो देना है जनरली आपकी स्किन सॉफ्ट लगेगी रिंकल फ्री लगेगी एंड रेडियंट लगेगी अब चलिए बात कर लेते हैं कि शीआ बटर को बालों में कैसे इस्तेमाल करें बालों में अगर हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो होती है तो उसको उसके लिए हम क्या करते हैं हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं शैम्पू करते हैं लेकिन उससे हेयर फॉलिकल्स प्रोटेक्शन नहीं मिलती साथ ही साथ अगर आपके बालों में ड्राइनेस है डलनेस है स्प्लिटेंस है तो उसको मिनिमाइज करने में काफ़ी मदद करती है आप हमारा शिया बटर शिया बटर यहाँ या, पर हमें दो टेबल स्पून लेना है साथ ही साथ कोकोनट ऑयल एक टेबल स्पून लेना है इन दो इन्ग्रीडियंट को मिक्स करने के बाद वीकली एक हेयर मास्क आपको बनाना है ये दो मिलकर एक हेयर मास्क बनेगा जब भी आप हेयर मास्क लगाएंगे वीकली एक बार तब आप इसको रेडी कर सकते हैं एंड उसके बाद थर्टी टू सिक्सटी मिनट्स बाद आपको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है यू कैन ऑल्सो रिप्लेस यूर कोकोनट ऑयल विध एनी अदर हेयर ऑयल ऑफ योर चॉइस इससे आपके बालों में फ्रीजनेस कम हो जाएगा डलनेस कम हो जाएगा डल हेयर जो है वो कम हो जाएगा स्प्लिटेंस तो एकदम कम हो जाएगा साथ ही साथ अगर आपके बालों में सन हीट की वजह से डैमेज हो गई हो या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो तो उसको भी ठीक करता है आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करता है जो बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट होता है हमारे बालों का उसके बिना तो हेयर होंगे ही नहीं अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट होगा आपको क्या करना है रॉ शीया वाटर लेना है दो टेबल स्पून उसके अंदर डालना है एक टेबल स्पून रोज वाटर वन टी स्पून रॉ हनी वन ड्रॉप ऑफ़ लेमन एसेंशियल ऑयल एंड वन ड्रॉप ऑफ़ टी ट्री एसेंशियल ऑयल ये आपके स्किन में से पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को ठीक करता है साथ ही साथ आपके स्किन को यंगर बनाता है आप इसे एक कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं एंड डेली दो बार इसको यूज़ कर सक नेक्स्ट आते हैं शिया बटर ऑन लिप्स अगर आपकी लिप्स ड्राई हो रही हैं चाहे वो विंटर हो या समर हो या मॉनसून हो अगर ड्राई लिप्स हैं मतलब डिहाइड्रेटेड हो गई हैं तो हमारा काम है उसको हाइड्रेट करना सॉफ्ट रखना एंड लिप्स में जो लाइन हो जाते हैं उनको कम करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक बाउल में दो टेबल स्पून शिया बटल लेंगे साथ ही साथ उसमें डालेंगे एक टेबल स्पून ऑयल एंड वन टेबल स्पून कोकोआ बटर ये लीजिए ये बन गया हमारा डी आई वाई शिया बटर लिप बाम एंड ये आप क्लीन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इससे क्या होगा थोड़ा सा जम जाएगा एंड पूरा एक बाम की तरह बन जाएगा एंड इसको रेगुलरली आप रात को सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं सुबह उठेंगे तो प्लम्पर फुलर एंड लाइन्स फ्री लिप्स आपको मिलेगी अगर आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स है तो ये वाला रेमेडी आपके लिए बेस्ट होगा यहाँ पर आपको दो टेबलस्पून स्पून बटर लेना है उसमें वन टेबलस्पून वीट जर्म ऑयल लेना है साथ ही साथ दो ड्रॉप ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल लेना है इसको मिक्स करके आप डेली अप्लाई करिए अपने स्ट्रेच मार्क्स एरिया पे एंड धीरे धीरे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी हेल्दी सेल ग्रोथ इंक्रीज होगा और स्कार्स जो है वो हील होगा इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा पुराने नहीं है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कम गा होने में अदरवाइज अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो रेगुलर आपको तीन महीने तो यूज़ करना पड़ेगा तो गैस ये था आज का कुछ रेमेडीज जो हम सिया बटर यूज़ करके कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच गैस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले टाटा बाय बाय